चलिए देख लेते हैं हम लोग कि नोटिस कैसे लिखते हैं। नोटिस आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है और एक ना एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। 15 नंबर का जो है लेटर एप्लीकेशन नोटिस वगैरह रहता है, जिसमें से एक क्वेश्चन जो है नोटिस का रहता है और वह आपको 5 नंबर का मिलता है। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि नोटिस को हमेशा एक बंद बॉक्स के अंदर लिखना है, ठीक है। फॉर्मेट कैसे लिखना है पहले बता देना, उसके बाद एक नोटिस भी बता देंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, एक बंद बॉक्स के अंदर नोटिस हमेशा लिखा जाता है। उसके बाद सबसे पहले हम अपने स्कूल का नाम लिखते हैं, ठीक है। जिस स्कूल में नोटिस हम लोग चिपकाने वाले हैं उस स्कूल का नाम लिखते हैं, और वो भी कैपिटल अक्षर में, ठीक है। और कहाँ लिखते हैं, हमेशा बीच में लिखते हैं। नोटिस जहां से लिखना शुरू करते हैं ना आप, वहां के बीच में हम लोग लिखते हैं नेम ऑफ स्कूल, वो कैपिटल लेटर में नेम ऑफ स्कूल लिखेंगे और स्थान लिख देंगे। जैसे आपको लिखना है मान लीजिए तो DHS संग्रामपुर, ठीक है। उसके नीचे जो है हम लोग नोटिस से कैपिटल लेटर में ही हेडिंग देंगे, और हेडिंग देकर उसके बाद जो है एक लाइन खींच, और उसके बाद आपको जो है बाएं साइड में लेफ्ट साइड में जो है डेट लिख देना है, ठीक है। जैसे कल आपका एग्जाम है और कल फरवरी है, तो यहां पर क्या लिख देंगे, 21 फरवरी 2022, ठीक है। तो बाएं साइड में हमको क्या करना है, डेट लिख देना है। डेट लिखने के बाद जिससे टॉपिक पे आप नोटिस चिपकाने जा रहे हैं उसका टाइटल लिख देना है, ठीक है। क्या लिख देना है, टाइटल लिख देना है। और टाइटल लिखने के बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट मैटर लिख देना है लगभग 3 से 4 लाइन में, ठीक है। कितने लाइन में, 3 से 4 लाइन में, या 5 भी हो सकता है, 4-5 लाइन में जो है आपको क्या लिख देना है, सब्जेक्ट मैटर लिख देना, माने किस टॉपिक पे आप नोटिस लिखने जा रहे हैं। नोटिस क्या होता है आप लोग जानते होंगे, नोटिस क्या होता है, तो नोटिस होता है अगर हमको कोई जरूरी सूचना देनी हो जो हम नहीं दे पाए हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नोटिस चिपका देते हैं, नोटिस बोर्ड पर लगा देते हैं नोटिस को। और यह जो है हमेशा स्कूलों में या कार्यालय या संस्था के लिए किया जाता है, परंतु अगर हमें आम लोगों को सूचना देनी है तो समाचार पत्र में पब्लिक नोटिस के रूप में छपवाते हैं, ठीक है। तो नोटिस आपको तभी जरूरत पड़ेगा जब आप किसी को सूचना देना चाहते हो, और पूरे पब्लिक में नोटिस करना है तो आप अखबार में छपवा देते हैं, ठीक है। तो टाइटल लिख देना है, और टाइटल लिखना कहाँ है, तो वो भी हमेशा मिडिल में लिखना है, नोटिस के मिडिल में, यानी कि बीच में लिखना है, ठीक है। अगला आगे हम लोग क्या करते हैं, आगे जो है सब्जेक्ट मैटर लिखते हैं, और जब सब्जेक्ट मैटर का तैयार हो जाता है उसके बाद क्या लिख देते हैं, उसके बाद नीचे यहाँ पर में जो है अपना नाम लिख देते हैं, और नाम लिखने के बाद पोस्ट लिख देते हैं, ठीक है। इस प्रकार आपका नोटिस हो जाता है कंप्लीट। चलिए डिजाइनेशन लिख देते हैं, अपना पोस्ट लिख देते हैं, नाम लिखना है यहाँ पे और अपना पोस्ट लिख देना है। चलिए हम एक नोटिस जो है लिखते हैं, पिछले एग्जाम में पूछा गया है। देखिए नोटिस लिखने के लिए कह रहा है यू आर कविता, मान लीजिए आप कविता हैं, सेक्रेटरी ऑफ द म्यूजिक क्लब ऑफ योर स्कूल। आप अपने म्यूजिक क्लब, स्कूल के म्यूजिक क्लब के सेक्रेटरी हैं। राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 से 60 वर्ड्स। आपको 50 से 60 वर्ड्स में एक नोटिस लिखना है, इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट इन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल। अपने स्कूल में इंटर स्कूल कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो रहा है और उसी की इंफॉर्मेशन जो है स्टूडेंट्स को देनी है। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हाई स्कूल संग्रामपुर, अपने या हाई स्कूल, अपने स्कूल का नाम लिखना है, और उसके बाद यहाँ पर प्लेस लिख देना है। यहाँ पर हमने हाई स्कूल का पूरा नाम इसलिए नहीं लिखा है ताकि, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लिखना है और सबके स्कूल का नाम अलग अलग होगा, इसलिए हमने केवल यहाँ पे हाई स्कूल लिख दिया है। आपके स्कूल का जो भी नाम होगा वो लिख देंगे और उसका प्लेस लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है हेडिंग दे देना है नोटिस, ठीक है। नोटिस लिखने के बाद हेडिंग दे देना है, यहाँ पे जो है बाएं लेफ्ट साइड में आपको डेट लिख देना, जैसे आज डेट है 20 फरवरी 2021, ठीक है। यह दोनों जो है आपका मिडिल में होना चाहिए, और नोटिस जो है इस हाई स्कूल के नाम से थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं। उसके बाद हम लोग टाइटल देंगे, तो टाइटल क्या देंगे, टाइटल देंगे इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटर स्कूल कंपटीशन,
ठीक है, टाइटल देने के बाद यहां पे हम अंडरलाइन कर देंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखना शुरू करेंगे सब्जेक्ट मैटर। इसके बाद क्या लिखना था, सब्जेक्ट मैटर लिखना था ना, तो अब हम लिखना शुरू करेंगे। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि हमारा स्कूल जो है एक इंटर स्कूल म्यूजिक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। तो आवर स्कूल इज गोइंग टू गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल म्यूजिक कंपटीशन। ठीक है, सिंपल भाषा में आपको लिखना है, थोड़ी भी भाषा आपको कठिन नहीं रखनी है। क्या लिखेंगे, आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल म्यूजिक कंपटीशन ऑन, आप लिख देंगे 25 फरवरी या जो भी डेट हो उस डेट को आप लिख देंगे 25 फरवरी 2022। यहां पर सॉरी 22 होगा ना, तो 2022 एंड्स ऑफ क्लास 11, सॉरी 11 एंड 12 स्टूडेंट लिंक टू विलिंग टू शुड असेंबल फॉर अ ट्रायल ऑन फेब्रुवरी 23 ऑडिटोरियम एट 11 AM। देखिए इंटर स्कूल म्यूजिक कंपटीशन होने वाला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा कि नहीं। तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 एंड 12 विलिंग टू पार्टिसिपेट शुड असेंबल फॉर अ ट्रायल ऑन फेब्रुवरी 23। रिपोर्ट टू द टीचर इंचार्ज ऑफ द सिलेक्शन। और क्या करते हैं ना, अपने जो टीचर जो है इंचार्ज है सिलेक्शन करने वाले हैं, उनको क्या कर देना है, रिपोर्ट कर देना है। ठीक है, इतना बात लिखने के बाद आप लिख देंगे कविता और आप क्या हो, तो आपका पोस्ट है सेक्रेटरी हो आप, ठीक है, आप क्या हो सेक्रेटरी हो इसके, आपके आप क्या हो सेक्रेटरी हो, यहां पे लिख देंगे सेक्रेटरी म्यूजिक क्लब। ठीक है, ये नोटिस हो गया आपका कंप्लीट, ऐसे ही नोटिस लिखना है। तो अब क्या करेंगे, अब जो है नोटिस हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस को देख लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे पहला नोटिस है, यू आर अनमोल या अंशु द हेड बॉय या हेड गर्ल ऑफ हाई स्कूल मोतिहारी। मान लीजिए आप अपने हाई स्कूल के हेड बॉय या हेड गर्ल हैं, अगर हेड बॉय होंगे, अगर आप लड़के होंगे तो अनमोल लिखिएगा, अगर हेड गर्ल होंगी तो अंशु लिखेंगी। देयर विल बी अ फुटबॉल मैच बिटवीन जिला स्कूल एंड योर स्कूल। आपके स्कूल और जिला स्कूल के बीच में जो है एक फुटबॉल मैच होने वाला है। पुट अप अ नोटिस इन ऑन द नोटिस बोर्ड, माने आपको नोटिस एक चिपकाना है नोटिस बोर्ड पे
आस्किंग द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द टीम टू कम फॉर सिलेक्शन, और स्टूडेंट से यह कहना है कि जो भी इंटरेस्टेड हो वो आकर इसमें सिलेक्शन के लिए जो है ज्वाइन कर सकता है टीम में सिलेक्शन के लिए। नोटिस देखते हैं हम लोग, अगला नोटिस है यू आर रवि प्रेसिडेंट ऑफ द क्विज कमिटी। आप मान लीजिए रवि हो जो क्विज कमेटी के प्रेसिडेंट हो, अध्यक्ष हो। राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 to 60 words इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट अ क्विज कॉम्पिटिशन ऑन COVID-19 टू बी ऑर्गेनाइज इन योर स्कूल। आपको एक नोटिस चिपकाना है और स्टूडेंट्स को यह सूचित करना है कि आप। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला है यू आर रोहन द प्रेसिडेंट ऑफ योर हाई स्कूल। आप रोहन हैं और आप जो है अपने स्कूल के अध्यक्ष हैं, हाई स्कूल मोतिहारी के अध्यक्ष हैं। राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 to 60 words रिगार्डिंग द कोरोना वायरस टू द स्टूडेंट्स। आप कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो है कैसे सुरक्षित रहें, उस पर एक नोटिस आपको लिखना है 50 to 60 words में। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट।